नमस्ते सभी को। एक बार फिर हम आपके सामने नया रूल लेके आए हैं। आज बीदर शिवनगर का कांग्रेस ऑफिस में सभी मीटिंग किया गया। उस मीटिंग में सभी लोग मौजूद थे, जिला अध्यक्ष ईश्वर खंडे, राजशेखर पाटिल, रहीम खान और एक्स मिनिस्टर उमा श्री जी, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। अमृतो चमकोट, सभी लोग वहाँ पर मीटिंग किया गया। उस मीटिंग में हर जिला, हर तालुके का सभी लोगों को मीटिंग लिया गया। उस मीटिंग में राजशेखर पाटिल जी ने बात किया, हम सभी लोग कांग्रेस के पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हम कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम करेंगे। सभी लोग जो मिल के काम करेंगे, आने वाले दिनों में कल्याण का लड़ाई में कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे। और उन्होंने बार हमेशा पिछले 20 साल से मैं वहाँ पर डेवलप कर चुका हूँ। एक बार कभी कभी जो यहाँ पर हो जाता है, फिर भी मैं डेवलपमेंट के लिए हर लोगों को समर्थन करता हूँ। अगर कोई भी डेवलप अगर करता है तो मैं उसको सपोर्ट देता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट ही हमारा इरादा है, दूसरा कुछ नहीं। उन्होंने कहा हमसे ईश्वर इंडिया न्यूज ಬರ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಾವ್ರು ಹೇಳಿದ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ನಾವೇ ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ। ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಥೋಡಾ ಸೈಡ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं यहां पर आया सो जो सत्य शोधना कमेटी है बेंगलोर से, जो सगीर अहमद है, सलीम अहमद है और हमारे कार्य अध्यक्ष वसंत कुमार जी है, उमाश्री जी है, वो उस कार्यक्रम में भागी होने के लिए मैं आया हूं। अभी मैं वो लोगों का जो सत्य शोधना कमेटी है, जो पार्लियामेंट कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूशन में कितना वोट लिए, क्या क्या हो गया लोगों, उसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में हमने उनको बोल दिया। उसके साथ असेंबली इलेक्शन में क्या क्या हो गया लोगों, उसके बारे में पूछे, उसके बारे में भी हमने बताया। सर आप पूछ रहे हैं हमनाबाद के बारे में, हमनाबाद के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप, किस लिए हो रहा है, एक के ऊपर किस लिए हो रहा है, वो भी सोचना है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी सोचना है। नहीं आप तो एक सर एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिए थे सर, क्या बोलते हैं आप, ये अभिवृद्धि के लिए सिद्धू पटेल को आपका समर्थन रहेगा बोलते हैं। बिल्कुल अभी भी बोल रहे ना, अभिवृद्धि के वास्ते कोई भी एमएलए ले लो, हम चार बार हमारे लोग चिताए, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, हमने बहुत कुछ काम करे हमनाबाग क्षेत्र के लिए, अभी भी उन्होंने हमनाबाग क्षेत्र के लिए अभिवृद्धि के लिए कुछ पूछे तो हम उनको साकार करेंगे, उसमें क्या है। उन्होंने आज तक उन्होंने क्या समझ रहे, मरने तक वही छूंगा, मरने तक मेरे छे, क्या समझ रहे मुझे पता नहीं,
जब पिछले में सुभाष कलोर जब मैं एमएलए था, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट था, मैं सुभाष कलोर को 10 बार बात किया, भाई देखो भाई आपका सरकार है, आपका सहकार होना चाहिए, पूछिए आप, मैं उसको पूछू क्या, व्हाट यू आर आस्किंग, आप बोलिए मेरे को, आप जो पूछ रहे मैं उसको पूछ सकता क्या, नहीं पूछ तो नहीं सकते, आप बोल रहे ना सर, अगर उसको अभिवृद्धि होना है, अगर क्षेत्र के लिए अभिवृद्धि होना है तो उन्होंने मेरे साथ बात करना है, मैं कभी बात नहीं करूंगा, मैं कहीं को बात करूंगा। सर अभी आप यहाँ झड़पी और टीपी इलेक्शन आगे जा रहे, इसके बारे में क्या कहते हैं सर? देखो अभी पार्लियामेंट चुनाव में हम बताएं, जो हमनाबाद से 27,000 वोट हमने लीड दिए, शायद आप देखे होंगे, लेकिन ये झड़पी और तालुक पंचायत चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा, जब चुनाव आएगा, हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी का क्या व्यक्तित्व है हमनाबाद में। मालूम है तीन हमनाबाद में तीन म्युनिसिपैलिटी है, हमनाबाद और हरिकेर चुड़कोपा, हमनाबाद हरिकेर में उन्होंने चुनाव नहीं किए, चुड़कोपा में आए उन्होंने किसी को कैंडिडेट लेकर, फिर बाद में निकाले, हम कोई एक क्रिश्चियन लेडी को हमने अध्यक्ष बनाए, उसको ऑब्जेक्शन करके वो लोग आए, क्या हो गया? देखो हमनाबाद में जो भी है ये एक्सीडेंटल बन गए, इसका कोई ये नहीं, इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। तो फिर आपका कहना है सर कांग्रेस हमनाबाद गढ़ है कांग्रेस का? बिल्कुल, फिर आपको मालूम नहीं हो रहा, आपको मालूम नहीं हो रहा, नहीं तीन म्युनिसिपल तो है सर, नहीं नहीं म्युनिसिपल नहीं, कौन सा भी चुनाव देखो, हमनाबाद में म्युनिसिपल का एक म्युनिसिपल के भाई इलेक्शन हो गए, उसमें कांग्रेस हासिल की 60 साल के बाद, वो भी 60 साल तक जनता दल का पेपर जीता था वहां पर, अभी इस पर कांग्रेस जीता, लेकिन इसमें क्या है, ये हमनाबाद के बारे में जो बात कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, वो जो बात करेंगे, किसके साथ हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बात करके अच्छा लगता है, ये क्या बोलते हैं, हाथी चलते रहता कुत्ता भोंकते रहता, उसमें कोई हम उसको जॉब, हर उसको जॉब नहीं दे सकते, उसको जॉब देना जरूरी भी नहीं। सर आपके नेतृत्व में इंडस्ट्री पूरा चालू था हमनाबाद में, सर अभी बंद है, बाकी आपको फिर कंफ्यूजन हो रहा है, हमारा नेतृत्व तुम्हारा नेतृत्व में नहीं है, पिछले में जो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या था, अब जो होगा इंडस्ट्रियल एरिया में, अभी वहाँ के लोग जो गढ़वंती मोड़केरा बसंतपुर माणिक नगर जो वहाँ के वासी लोग हैं, सभी लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंडरे जी है, परिसर मंत्री भी उन्होंने, जब हम उनके साथ बात कर कर जो लोगों को तकलीफ हो रहा वो तकलीफ रुकाने के वास्ते जो कानून से जो है अभी इंडस्ट्रीज में 8 से 9 इंडस्ट्रीज बंद है, अभी देखेंगे क्यों बोलो तो इंडस्ट्री लोगों के साथ भी अभी बार बार बोल रहे हो एमएलए को बोलो एमएलए को बात करो बोलता एमएलए साहब को पूछो इंडस्ट्रियल वाले के साथ क्या कमिटमेंट हो गया उनका क्या हो गया तो इंडस्ट्री वापस भी चला गया सर हाल ही में उसमें तेलंगाना डायवर्ट क्या करते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं एक इंडस्ट्री कुछ चले गए वो मुझे मालूम है एक इंडस्ट्री अभी बाकी इंडस्ट्री लोग आई थिंक दे आर इन कोर्ट दे आर गोइंग टू कोर्ट मुझे मालूम नहीं कोर्ट को गए बोलकर बोल रहे थे देखिए उसके बारे में बाद में बात कुछ दिन लगा।